लास्ट टाइम SHM में ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के साथ हम कंपेयर करते हैं जो बॉडी पीरियोडिक मोशन है, तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लो उसकी डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो ये बनाया था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो कितनी है, जीरो है। फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड पे डिस्प्ले, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन हो सकता है रास्ते में जाते 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 ये t इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन से यहाँ पे टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई सपोज किसी भी इंस्टेंट पर y। तो सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ पे है, अगर बॉडी एक्सट्रीम पे है तो यहाँ पे है, पर अगर बॉडी रास्ते में है तो भी कहीं रास्ते में यहाँ कहीं होगी। तो ये रास्ते में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या, आर्बिट्ररी कितनी वाई, और ये डिस्टेंस कितना है ए, और सर्कल के सेंटर पे स्टैंडर्ड एंगल क्या लिया जाता है ओमेगा टी। तो मैंने क्या बताया साइन ओमेगा टी वाई बाई ए, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये लास्ट टाइम हमने किया कि ये एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है जो हर इंस्टेंट पर कोई भी बॉडी क्या कर रही है, चेंज कर, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो वाई की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, और इसको मैंने करके भी दिखाया था, y इज इक्वल टू टी टाइम की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो चेक करो y यहां पर क्या आएगा, जीरो। अगर टाइम को टी बाय फोर पुट करोगे तो y क्या आएगा, ए। तो ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आप टाइम की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, जैसे टी बाय सिक्स पुट कर लो, तो टी बाय सिक्स पुट करोगे ओमेगा टू पाई बाय टी है, टाइम को टी बाय सिक्स पुट करोगे सॉल्व करके पाई बाय थ्री, और यहां से आंसर आएगा। तो आप किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर एक बात बताओ, कोई भी पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम आप हमेशा मीन से क्यों स्टार्ट करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो कि पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट होगी यहीं गया, मेरा पेंडुलम तो यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऐसे गया, तो क्या ये वाई की वैल्यू वैलिड है उसमें, नहीं वाई की वैल्यू इक्वेशन वैलिड नहीं है उसमें। वो क्यों वैलिड नहीं है उसको डिस्कस करते हैं। तो नोट पॉइंट नंबर वन, मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ पेंडुलम स्टार्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड गोज टूवर्ड्स राइट, मीन से स्टार्ट होता हुआ राइट जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला बिल्कुल सही एप्लीकेबल है, आप लगा सकते हो। और आप सर्कुलर मोशन में जब कंपेयर करते हो तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है जी मेरा पेंडुलम यहां से स्टार्ट ही नहीं होता, मैंने तो अपने पेंडुलम की जर्नी ही यहां से स्टार्ट की, अब क्या करना है। तो अगर पेंडुलम की जर्नी यहां से स्टार्ट हो रही है, टी इज इक्वल टू जीरो, इधर जाके वापस आता है, तो क्या वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन यहां पर वैलिड है, नहीं वैलिड नहीं है, गलत आंसर देगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी पेंडुलम को यहां से स्टार्ट करते हो तो सर्कल में वो यहां से स्टार्ट होता है, जब आप पेंडुलम एक्सट्रीम पे लेते हो तो यहां पे होता है। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो अगर वो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो सर्कल में मान लो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वो यहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो लिख लो अपने डायग्राम में ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो की पोजिशन है, लिख लो ये टाइम टी क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है यहां तक। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वो यहां पे है। अब यानी कि आपकी पेंडुलम की स्टार्टिंग पोजीशन ये बनेगी, जो कि ये रेफरेंस लाइन देख रहे हो, ये रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से थोड़ी ऊपर है। तो हम अपनी सारे डिस्टेंसेस सर्कुलर मोशन में कहाँ से लेते हैं, इस रेफरेंस लाइन से लेते हैं, पर हमारा पेंडुलम थोड़ा सा ऊपर है, टी इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब पेंडुलम की जर्नी जब यहां से स्टार्ट होती है तो किसी भी इंस्टेंट पर एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, लिख लो ये टाइम टी पे आपका पेंडुलम यहां पे है, या स्प्रिंग मास सिस्टम में मास यहां पे है, तो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर मास यहां पर है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकेंड बॉडी यहां पे है। अब सर्कुलर मोशन में स्टैंडर्ड एंगल जब चेंज होते हैं तो क्या लिए जाते हैं, ओमेगा टी। तो आप ये वाला एंगल क्या लेंगे, ओमेगा टी, कि आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट है तो यहां से आगे का एंगल क्या लिया जाएगा, ओमेगा टी। लेकिन अब एक चीज बताओ, जब मैं ये बोलूंगा कि पेंडुलम यहां से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ मीन पोजीशन से थोड़ा आगे स्टार्ट हो रहा है, सर्कल में भी आगे स्टार्ट हो रहा है, कितना आगे स्टार्ट हो रहा है, बाय एन एंगल ऑफ फाई, बाय एन एंगल ऑफ फाई। अब फाई की वैल्यू ये बताती है जिन क्वेश्चन में फाई होता है कि आपकी कोई भी बॉडी मीन से नहीं स्टार्ट हुई, मीन से थोड़ा सा आगे स्टार्ट हुई है, इसलिए फाई आता है। इस फाई एंगल को बोलते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। देखो एंगल को सर्कल मोशन में क्या बोलते हैं, फेज, और ये फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। ओमेगा टी जो होता है वो क्या होता है, ये पूरे एंगल्स को क्या बोलते हैं, फेज। एंगल तो हमेशा फेज होता है, एंगल मीन्स फेज,
लेकिन ओमेगा टी क्या है, फेस, फाई क्या है, इनिशियल फेस। जब इनिशियल फेस किसी क्वेश्चन में जीरो होता है, फाई जीरो होता है, तो आपकी कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से ही स्टार्ट होती है। और अगर इनिशियल फेस है, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन में नहीं स्टार्ट हुई, थोड़ी सी आगे स्टार्ट हुई, तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर एट टाइम टी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है बॉडी की, वाई, और एम्पलीट्यूड या रेडियस क्या है यहां पर, ए। तो अब इस ट्राइंगल में, इस बड़े ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू वाई बाई ए। तो वाई की इक्वेशन ये बनेगी। इट मीन्स अगर आपका पेंडुलम मीन पोजिशन से ही स्टार्ट होता है यहीं से, तो उसमें फाई क्या रहेगा, जीरो, फाई तो जीरो हो जाएगा फिर अगर यहां से स्टार्ट होता है, तो आपकी वही पुरानी इक्वेशन आ जाएगी, ए साइन ओमेगा टी। पर अगर कोई पेंडुलम थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है, उसके अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, फाई। अब ये क्वेश्चन वाले पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो चाहता क्या है, उसको कहां से स्टार्ट करना है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने वाला ज्यादातर 99.99% क्वेश्चन में आपसे फाई निकालने को नहीं कहता, फाई आपको देता है, वो पाई बाय थ्री, पाई बाय फोर, वो आपको देगा। आपकी सिर्फ आपको ये समझना है कि जिन क्वेश्चन में फाइव लगा हुआ है, यानी कि बॉडी मीन से स्टार्ट नहीं हुई, बस ये बात समझ में आनी चाहिए। इक्वेशन में अगर फाइव लगा हुआ है, कोई एंगल एक्स्ट्रा लगा हुआ है ओमेगा टी के बाद, इसका मतलब बॉडी मीन से नहीं स्टार्ट हुई, थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हुई, इसका मतलब ये है। ठीक है यहां तक? इसको अगर यूज करना है इस इक्वेशन को, तो ध्यान से देखना, कुछ भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसकी चिंता मत करना। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपकी थोड़ी विजुलाइजेशन बढ़िया रहेगी। अदरवाइज तो थ्योरी में कुछ है नहीं, वो तो सीधा स्टार्ट कर दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ये सारी कहानी से पता लगता है कि फाई का सिग्निफिकेंस है क्या यहाँ पे, हालांकि फाई निकालने को आता नहीं, मैंने आपको बताया। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरा जो पेंडुलम यहीं से स्टार्ट होता है, इस पोजीशन से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स राइट, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं वाई की, तो मैं कहूंगा वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बात खत्म, फाई लेना ही नहीं तूने। लेकिन अगर कोई कहता है मेरा पेंडुलम एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की तरफ आ रहा है, अब मैं कौन सी इक्वेशन लूं, हमारा रेफरेंस पॉइंट तो हमेशा ये रहता है, हम अपने मन में तो पेंडुलम को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सोचो अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट होती है, यहां से, लेकिन मेरी बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये टाइम टी इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, तो इस रेफरेंस लाइन से कितना आगे स्टार्ट हो रही है, फाइ कितना है, पाई बाय टू, 90 डिग्री आगे स्टार्ट हो रही है। सर्कुलर मोशन में इनिशियल फेज फाइ क्या बनेगा, पाई बाय टू, तो मेरी बॉडी पाई बाय टू आगे स्टार्ट हो रही है, तो मैं अपनी वही क्वेश्चन यूज करूंगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, और फाइ को क्या पुट कर दूंगा, पाई बाय टू। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो अगर आपके क्वेश्चन एक्सट्रीम से स्टार्ट होते हैं, तो आप अपनी ये इक्वेशन यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपकी ये इक्वेशन है, अगर पेंडुलम यहां से स्टार्ट होते हैं मीन से टुवर्ड्स राइट, तो ये न्यूमेरिकल में इक्वेशन लगा के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकल सकती है। पर अगर आपकी बॉडी यहां से स्टार्ट होती है, तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है? लेकिन कोई कहता है जी मेरा पेंडुलम तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन राइट नहीं जा रहा, लेफ्ट जा रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, सर्कल में अगर कंपेयर करें, यहां जाने का मतलब यहां से स्टार्ट होना, लेकिन मेरी रेफरेंस लाइन से कितना आगे स्टार्ट होना, फाई कितना है, पाई 180 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं अपनी रेफरेंस लाइन की इक्वेशन में वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह क्या पुट करूंगा, पाई। मैथ्स में साइन ऑफ 180 प्लस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब अगर किसी न्यूमेरिकल में पेंडुलम राइट जा रहा है, तो इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर लेफ्ट जा रहा है तो वाई इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो राइट जा रहा है तो ये फॉर्मूला, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ए कॉस ओमेगा टी, अगर लेफ्ट जा रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर मान लो आपका पेंडुलम यहां से स्टार्ट होता है राइट लेफ्ट एक्सट्रीम से, तो यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी रेफरेंस लाइन से वो कितना आगे स्टार्ट हो रहा है, थ्री पाई बाय टू। तो फाइव क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाय टू आगे स्टार्ट हो रहा है। और मैथ्स में साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू 270 प्लस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो जिन न्यूमेरिकल्स में आपकी बॉडीज लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट होती हैं, उसकी ये इक्वेशन,
यहां से स्टार्ट होती हैं तो ये इक्वेशन, यहां से स्टार्ट होती हैं तो ये इक्वेशन, यहां से स्टार्ट होती हैं तो ये इक्वेशन। आप चाहो तो शॉर्टकट फॉर्मूला नोट कर सकते हो, पर आपको इतना इतना डीप क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में इक्वेशंस ऑलरेडी दी जाती हैं, करनी नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पेंडुलम का क्या होगा वो क्वेश्चन पूछने वाला ही डिसाइड करेगा, वो आप नहीं कर सकते। बट आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इनिशियल फेज का क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं इसको समझते हैं।